Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the second group of bryophytes, that is Bryopsida, या इनका nickname है mosses. इनको mosses भी कहते हैं. इनकी सबसे ज्यादा distribution, अब अगर हम इनके general characters देखें, जो आज के topic में चीजें हमने discuss करनी है वो इनके general features है. General features के बाद हमें इनकी reproduction के बारे में पढ़ना है और कुछ examples देखनी है, life cycle देखनी है. यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर से, जनरल फीचर्स, लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन. इनको आपने देख लीजिए, मिसालें भी याद रखिएगा, बाद कर पूछ लेते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन इनकी एक्वाटिक और मॉइस्ट प्लेसेस पर ज्यादा है. इनका हैबिटेट ज्यादातर मॉइस्ट होता है, ज्यादातर एक्वाटिक डैम प्लेसेस सॉइल पे ये रहते हैं, क्योंकि इनको शेडी जगह बहुत पसंद होती है. प्लांट बॉडी जब भी हमने डिस्कस किया, तमाम ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक होती है. जो भी हमें प्लांट बॉडी आम नजर आ रही होती है वो नेचर में क्या होती है, गैमेटोफाइट. उसके बाद अगर हम उसका नेचर देखते हैं तो वो जो प्लांट बॉडी हमें नजर आ रही है, वो जो थैलस हमें नजर आ रहा है, वो एक प्रोस्टेट थैलस है. उस थैलस के अंदर प्रोस्टेटनेस है, यानी वो पूरा का पूरा एक इस तरह का फ्लैट वाला थैलस नहीं है जैसे हमने लिवर बर्ड्स का पढ़ा. वो पूरा का पूरा डेवलप नहीं है, थोड़ी सी इसके अंदर डेवलपमेंट ज्यादा है उनके नेचर. उसके अलावा डोमिनेंट जनरेशन एज इट इज तमाम ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट है, यही है. यहाँ पर भी कॉन्स्पिकुअस है, आम आंख से नजर आ सकती है, वाजिया है, ऑब्जर्वेबल है, डोमिनेंट है. इसके अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स यानी मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं. उसके अलावा ये थैलस इसका भी ग्रीन है. हाँ, एक डिफरेंस यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसका थैलस जो है वो इरेक्टेड है, थोड़ा बड़ा है, फ्लैट नहीं है. एक डिफरेंस याद रखिएगा इसका, गैमेटोफिटिक थैलस का वहां पर और यहाँ पर. ठीक है, वहां पर जो थैलस है वो प्रोस्टेट नहीं है बल्कि लीपी है, यानी पत्ता है, पत्ते नुमा है, यहाँ प्रोस्टेट है. और वहां पर जो है वो इरेक्टेड नहीं है बल्कि फ्लैट है, यहाँ पर इरेक्टेड है. ये एक डिफरेंस याद रखिएगा दोनों के गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडीज के अंदर. बाकी ऑर्गेनाइजेशन सेम है कि उसके अंदर भी राइजॉइड्स होती हैं, रूट्स नहीं होती क्लियर, स्टेम क्लियर नहीं होता, इसके अंदर भी नहीं है, लीव्स क्लियर नहीं होते, इसमें भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत छोटी सी आउटग्रोथ है. नीचे मैंने लिखा भी है कि लीव्स, यानी लीव्स नहीं होते भाई, लीव्स की जगह स्मॉल आउटग्रोथ होते हैं. उसके अलावा ये लिखा है कि रूट्स की जगह राइजॉइड मौजूद होते हैं. सम टिश्यू डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट इंटरनली, आपको थोड़ी सी इंटरनल डिफरेंशिएशन यहाँ पर नजर आ रही है, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स यहाँ पर डिफरेंशिएट होना शुरू हो गए हैं प्लांट्स के. लेकिन हाँ, ये नहीं है कि यहाँ पर पूरे पूरे वास्कुलर बंडल भी आ गए हैं. नो, देयर इज नो वास्कुलर बंडल इन ऑल ब्रायोफाइट्स इंक्लूडिंग दिस ब्रायोप्सिडा ग्रुप. ये उससे इसको इस्तिस्ना कोई नहीं हासिल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी नहीं होते. बाकी तमाम ब्रायोफाइट्स की तरह इसके अंदर भी कोई वास्कुलर बंडल, वास्कुलर टिश्यू नहीं है. हाँ, थोड़ी सी टिश्यू डिफरेंशिएशन है जरूर. फिर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन हमेशा की तरह दो तरह के हैं, यहाँ पर भी मेल और फीमेल. मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया कहते हैं या एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं. इनको सेक्स ऑर्गन की जगह गैमेटेंजिया भी कहा जाता है, मेल गैमेटेंजिया या फीमेल गैमेटेंजिया, क्योंकि इनके अंदर गैमेट्स पैदा होते हैं. उसके बाद एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया उनके नाम है, विच डेवलप ऑन सेपरेट प्लांट्स और सेपरेट ब्रांचेस. या तो ये सेपरेट ब्रांचेस पर हो सकते हैं या पूरे के पूरे इनके पौधे ही अलग हो सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. यहाँ पर ये अगर लिबर बर्ड्स की मैं मिसाल देखते हैं तो इसमें ये एक ब्रांच है, उसके ऊपर आपको सॉरी ये एक थैलस है, एक प्लांट है बिल्कुल अलहदा, ये मेल गैमेटोफाइट को शो कर रहा है. फिर एक और प्लांट है बिल्कुल अलहदा, ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. बोथ आर सेपरेट रिप्रेजेंटिंग, बोथ आर सेपरेट थैलस, सेपरेट इनके सेक्सेस हैं जो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा जी, उसके बाद सेम पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. दीज सेक्स ऑर्गन इन दीज प्लांट्स आर सराउंडेड बाय द लीव्स. हाँ, ये एक नई एक चीज़ है, यहाँ पर यहाँ थोड़े पत्ते इसके इर्द गिर्द होते हैं. एंड ऑलवेज डेवलप ऑन द एपेक्स ब्रांचेस, और सबसे ऊंची क्योंकि ये इरेक्टेड है, इसका गैमेटोफाइट इरेक्ट है, इरेक्ट है, खड़ा है, तो जो अपेक्स वाला पार्ट है सबसे ऊंचा है, वहाँ वहाँ की ब्रांचेस के ऊपर, अपेक्स ब्रांचेस के ऊपर इसके सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, इसके एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं. और वो जब डेवलप हो जाते हैं तो उनके इर्द गिर्द सटीराइल जैकेट सेल होते हैं, लेकिन एक और लीव्स का ग्रुप भी उसके इर्द गिर्द होता है फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड शेड टू दीज गैमेटेंजिया.
फ्रॉम एग्रेसिव डैमेज और सनलाइट का डैमेज उससे बचाने के लिए। अब स्पोरोफाइट की बात कर लेते हैं, विच इज रिड्यूस इनकॉन्स्पिक्यूअस, नजर नहीं आ सकता, ऑब्जर्वेबल कुछ नहीं है ठीक तरह से, एंड डिपेंडेंट इन न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में जनाब वो डिपेंड करता है बिकॉज इसके पास अपने से कोई फोटोसिंथेटिक सेल्स नहीं होते। देयर इज ए स्टॉक प्रेजेंट ऑन द स्पोरोफाइट। अब आपने यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर सिट्टा जो है वो बहुत छोटा सा है, हमने लिबर वर्ड में पढ़ा था सिट्टा बहुत छोटा है। अब इन शहजादों का सिट्टा बहुत बड़ा होता है, इनके अंदर स्टॉक थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है, इरेक्टेड होता है, पहले ही मैंने बताया इरेक्टेड होता है। तो कैप्सूल से पहले आपको स्टॉक नजर आता है इन स्पोरोफाइट्स में। कैप्सूल हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइक स्ट्रोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट, कुछ यहाँ पर स्ट्रोमेटा डेवलप हुए हैं स्पेशलाइज्ड किस्म के। अच्छा, वो हम जब पढ़ रहे थे, हमने जनरल फीचर्स में पढ़ा था लैंड एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स, तो उसमें ये मैंने डायग्राम आपको शो करवाई थी। ये जो स्ट्रोमेटा आपको नजर आ रहे हैं ये इस वक्त ब्रायोप्सिडा मॉसस के अंदर हो रहा है। स्ट्रोमेटा का कोई तذکرہ आपको लिवर वर्ड्स में मैंने नहीं किया, तो ये एक डिफरेंस भी आप याद रख लीजिएगा कि स्पोरोफाइट के अंदर एक डिफरेंस मैंने यहाँ गैमेटोफाइट में भी इधर बताया, स्पोरोफाइट में याद रखिएगा स्टार्क की लेंथ एक डिफरेंस है दोनों के अंदर, और कैप्सूल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और स्ट्रोमेटा की मौजूदगी भी एक डिफरेंस है। एक और भी डिफरेंस है, स्पोर जर्मिनेट जब होता है तो ये थैलस नहीं देता डायरेक्ट, बल्कि ये एक प्रोटोनेमा स्टेज बनाता है पहले, वो प्रोटोनेमा स्टेज यानी कि जो पहली दफ़ा पत्ते निकलते हैं गैमेटोफाइट के, उस स्टेज को वो जो पूरी तरह डेवलप नहीं होता, पूरा थैलस नहीं होता, उसको प्रोटोनेमा कहते हैं। तो प्रोटोनेमा के बाद फिर आगे में जो थैलस डेवलप होता है, तो प्राइमरी प्रोटोनेमा आता है, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है, फिर पूरा आपका थैलस ब्रायोप्सिडा का हम देख सकते हैं। अब ये सिचुएशन डेवलप होती है, इनके अंदर ये वाली स्टेजेस सारी मिसिंग होती हैं लिवर वर्ड्स के अंदर, तो ये वहाँ से एक डिफरेंस भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। बाकी पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन सेम ही है जी, एंथ्रीलिया में बनता है एंथ्रोजाइड्स और आर्चिगोनिया में वो स्पीयर, वो एंथ्रोजाइड चलते हैं, स्विम करते हैं, जाते हैं, जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, वो जाइगोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर जाता है, फिर वो ग्रो करता है, ग्रो करके वो स्पोरोफाइट बनाता है, उस स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल बनता है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं मियोसिस के लिए, वो स्पोर फिर डेवलप होते हैं, वो प्रोटोनेमा बनाते हैं, प्रोटोनेमा के बाद दोबारा थैलस बन जाता है, गैमेटोफाइट बन जाता है, वो गैमेटोफाइट दोबारा स्पोरोफाइट बनाता है, वो स्पोरोफाइट दोबारा गैमेटोफाइट बनाता है। ये पूरी रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल चलती रहती है, जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो बड़ी मिसालें हैं, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, आप इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर कोट कर सकते हैं। कोई मजीद एग्जाम्पल भी आपको मिले तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल ये आपके पास एक सॉलिड पॉइंट यहाँ पर आ गया।